देवताएं ऐसे तो कृपालु होते हैं, लेकिन कभी कभी भगवत प्राप्ति के बाधक क्यों बनते हैं, कृपया समझाए। देवताओं का भी अपना एक एक क्षेत्र होता है, जैसे थानेदार, एक थाने का थानेदार दूसरे थानेदार के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, उसी प्रकार एक देवता दूसरे देवता के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, उनका क्षेत्र बटा हुआ है। और फिर बात क्या है, तो आप एक बार हाथ जोड़ लेते हैं और देवता से कहते हैं कि ये काम कर दीजिए, आप 500 रुपए का भोग लगा देते हैं और देवता से कहते हैं हमारा 5 लाख रुपए वाला काम आप कर दीजिए। ये जो देवताओं से काम लिया जाता है वो एक तो देवता के क्षेत्र के बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। ये प्रश्न दूसरा है कि वो काम होता है नीच नहीं होता है, पर हम होता है ये मानकर आपको उत्तर दे रहे हैं। तो आप देखिए कि आपकी पूरी श्रद्धा है कि नहीं, और जो काम आप देवता से देना चाहते हैं वो देवता की शक्ति के भीतर है कि नहीं। और तीसरी बात ये भी आप देखते कि नारायण आप बहुत जल्दी तो नहीं चाहते हैं, आप कर्म अपनाएंगे संभव है उसका फल बहुत तेज की बात है, तो ऐसी अवस्था में आपको देवता से संसार की इच्छा तो बहुत कम करनी चाहिए। अब रही बात ईश्वर की प्राप्ति की, सो ये बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कई जगह लिखी है कि देवता लोग स्वार्थी होते हैं, जब जीव उनकी पूजा करता है, देव मनुष्य जब उनकी पूजा करता है तो वे ये देखते हैं कि यदि इसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और इसको मुक्ति मिल जाएगी तो ये हमारी पूजा करना नहीं चाहेगा, इसलिए कभी कभी वे ईश्वर की प्राप्ति में राम राज्य में बाधा डालते हैं। और जानते हैं यदि राम राजा हो जाएंगे तो हमारा जो असुरों के बध का कार्य है उसमें बाधा पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में देवताओं का नाम को व्यर्थ लेना। एक बात और आपको सुना है, एक है मनुष्य और एक है देवता। यदि आप गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि से विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये संसार के विषय जो हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पेड़ पौधे, इनमें चेतना छोटी है, माने चेतना के कई स्तर होते हैं, उन स्तरों में एक चेतना का एक स्तर होता है जो पौधे होते हैं, इनमें एक स्तर होता है, और दूसरे जो पसीने से पैदा होते हैं उनमें दो स्तर चेतना का होता है, और एक अंडे से जो होते हैं उनमें तीसरा स्तर होता है, एक जरायुज होते हैं जो देह में बने हुए पैदा होते हैं उनमें 4 स्तर होता है, और मनुष्य में 5 स्तर होता है क्योंकि उसके 2 हाथ होते हैं और 2 ही पांव होते हैं। पशु वो होता है जिसके 4 पांव होते हैं, और मनुष्य वो होता है जिसके
जिसके दो हाथ और दो पांव होते हैं, ये हाथ से काम करने की शक्ति जो है ये मनुष्य के हाथ में विशेष है। इसलिए मनुष्य को देवता के प्रति इतना आदरशील नहीं होना चाहिए कि ईश्वर को ही वो भूल जाए। विषय करण सुर जीव संहिता सकल एक तें एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोड़ी राम अनाज अवधपति सूर्य। तो अब देखिए यहाँ पहले तो विषय है, हमारे दुनिया के पेड़ पौधे मिट्टी ये सब है, ये छोटी चीज है और इनसे बड़ा कौन है, इंद्रियां है। रूप से बड़ा इस पेड़ पौधे से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इनको काटते भी हमें अपनी इंद्रियों की रक्षा करनी पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों में चेतना दो कला के है। अब देवता है तो देवता जैसे विषय करण सूर्य, ये तीन स्तर देवता में जैसे सूर्य है। देवता क्या होते हैं, आप आंख से एक दूसरे को देख रहे हैं, एक चीज को देख रहे हैं, ठीक है देख रहे हैं, परंतु देखते हुए भी आप को सूर्य की बदबदब मिले सहायता न मिले तो आपकी आंख रूप को नहीं देख सकती, अंधेरे में आप रूप को नहीं देख सकते, रूप ना हो तब भी रूप को नहीं देख सकते और अंधेरा हो तब भी आप रूप को नहीं देख सकते और आंख ना हो तब भी आप रूप को नहीं देख सकते। तो वो इंद्रियों की शक्ति उसको सूर्य कहते हैं और वो जो है वो इंद्रियों को मदद देकर हमें संसार का व्यवहार चलाने की शक्ति देते हैं। अब यदि हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं तो उनको पूजा पत्र मिलने में, उनको सेवा मिलने में बाधा पड़ती है, इसलिए वे कभी कभी ईश्वर की प्राप्ति में बाधा भी डालते हैं। और यदि आप उस देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें आप भगवान की भक्ति दीजिए, मानत तुलसीदास कर जोड़े बसो राम से मानस मोरे, तो यदि भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति के लिए ही आप भगवान की देवता की पूजा और सेवा करते हैं तो इसमें वो आपकी मदद भी कर सकता है। तो ये सर्वथा ये बात नहीं है कि देवता लोग भगवत प्राप्ति में बाध्य कहीं हो, भगवत प्राप्ति में तो भूत प्रेत भी कभी कभी सहायक हो जाते हैं। हमारे एक मित्र थे बंबई में, तो वो थे तो बड़े प्रबुद्ध परंतु वो कागज पर यूज चलाते हैं, प्लेनचक हाँ दादा तो रहा होगा ठीक है, उनका नाम बल्लभदास कटाऊ था, नाम ही ले लेते तो वो रात को उनका लगता बजरिस लगती थी और पारसी लोग बहुत करके इकट्ठे होते थे और देवताओं को बुलाते, देवताओं को देखते असुरों को किसको बुला लेते, वो तो मैं देखता नहीं प्रेत आते और उनसे वो बातचीत करते थे पूछते थे। तो दो बात वो हमको भी उसमें ले गए थे और हमको तो उस पर पूरा विश्वास क्या आधा विश्वास भी नहीं हुआ। तो लेकिन उनसे मैंने पूछा कि तुम इतने विद्वान बुद्धिमान हो करके ऐसी छोटी छोटी बात में क्यों फंसते हो, तो उन्होंने बताया कि महाराज लोगों के जो छोटी किस्म के लोग हैं उनके मन में ये विश्वास हो कि ये दुनिया जो हम देख रहे हैं इससे परे और कुछ है, तो धीरे धीरे उनके मन में भी ईश्वर का विश्वास हो जाएगा।
इसलिए मरने के बाद आत्मा रहती है, भूत प्रेत रहता है। अगर ये मन ये उनके मन में हम किसी तरह जमा सकें तो बाद में उनका ईश्वर पर भी विश्वास हो सकता है, ऐसा उन्होंने हमको सुनाया था। अब आप देख लीजिए कि हम तो जो तुलसी के पौधे से भी, शालग्राम की शिला से भी और एक नर्मदा लिंग से भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमको मिलो, हमें अपना प्रेम दो। तो किसी देवता दाने से मांगने में वो हानि है क्या है? किसी ने विनय पत्र का एक पद पूरा लिखा आपको तो याद दिलाने के लिए, एक चरण पर पढ़ के प्रश्न उनका जो जिज्ञासा है, केशव कही नहीं जाए का कहिए, इस पद का अंतिम है, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। तीन भ्रम क्या क्या है ये जानना चाहते? देखो इसके लिए तो क्या कथा वाचक रूप जो है वो तरह तरह के बात करते हैं। देखत तो रचना विचित्र के सब सुदर्शनी भूमि की परचित रंग रंग कल लिखा देवे, ये तुलसीदास जी का पद है और ये पद बहुत बढ़िया है। सृष्टि की रचना का रहस्य उन्होंने सुनाया है और ये बताया है कि ये दिला भगवान की कृपा के अंत में यही है, समझत बूझत बूझत बूझे तो का झूठ सच सत्य का को जो जुगल प्रबल करमान है, तुलसीदास जब आपन पहचान है। आत्मज्ञान होने से ये त्रैत का एक जीव है अलग और एक दुनिया है एक ईश्वर है, ये भ्रम जो है वो बैठ जाता है। अब इस पद का पूरा अर्थ समझाना तो मेरे लिए कठिन है क्योंकि आप किसी कथावाचक से जो रामायण की कथा करते हैं उन लोगों से पूछ लिया कीजिए और उनमें भी जो तुलसीदास जी के हृदय को उनके रहस्य को समझते हों उनसे पूछेंगे तब पता चलेगा। ऐसे गए गए जो कहीं से बांच के कथावाचक बन जाते हैं तो उनसे उसका नहीं मिलेगा। आनंद सिंधु मध्य तो बासा गुरु जादे को मर्दिया, तो मनुष्य को समझत समझत समझे बूझत बूझत बूझे, तुलसीदास हरि गुरु करुणा गुण बिगल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निज पार न पावे कोई। तो आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए और ये तीन भाव यही है, ये दुनिया ईश्वर से अलग है, हम दुनिया से अलग है और ईश्वर हम दोनों से अलग है, तीन चीजें यही भ्रम है। और मैं तो आप सत्य गुण रजो गुण तबो गुण ध्याता ध्यान वेद ब्रह्मा विष्णु महेश जितने चाहे उतनी कल्पना कर ले, इससे ये सब भगवान की लीला है। पुरुष कैसे हैं? ऐसा है कि कई किताब में खोल देते हैं और सुनते उसको समझने की कोशिश तो करते हैं। यहाँ किसी पुरुष की रचना नहीं है, ज्ञान सर्वत्र कर्तृत्व पूर्ण होता है। हम काम से सुनना चाहे कि न सुनना चाहे आवाज जो होगी वो सुनाई पड़ेगी। ये आवाज का ज्ञान हुआ और उसे हुआ हमारे पीए से नहीं हुआ, आप से हम देखते हैं,
हम जिनको नहीं देखना चाहते हैं वे भी आते हमारे आपके सामने खड़े हो जाते हैं, तो अज्ञान को उसे होता है। इसी प्रकार जब सृष्टि बनती है तो पहले से ज्ञान था ईश्वर को सृष्टि बनाने का कि नहीं था। यदि कहो कि ईश्वर को सृष्टि बनाने का ज्ञान था तो अज्ञानी था ईश्वर, ये तो आप कभी नहीं मानेंगे। ईश्वर था और अज्ञानी था, और यदि ईश्वर ज्ञानी था तो सृष्टि बनाने के पूर्व भी ईश्वर में ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान के ईश्वर को सृष्टि बनाएंगे। एक तीसरी बात आप देखते कि ज्ञान ईश्वर को बनाएगा कि ईश्वर ज्ञान को बना रहेगा। यदि ज्ञान से ही ईश्वर बनता है तो इसका नाम भौतिकवाद हुआ। हमारे पहले पंचभूत रहे होंगे, जड़ रहे होंगे, और उन्होंने ईश्वर नाम की एक चीज बना दी है, बना दी है। जैसे कुम्हार अंधा बना देता है, तो किसी कुम्हार के द्वारा घड़ा बनाया हुआ है, ये ईश्वर का कोई घड़ा है कि किसी कुम्हार ने बना दिया है। इसलिए इंद्रियों में आंख कान आंख नाक में ज्ञान आपने नहीं बनाया है, वो बना बनाया है। इसी प्रकार मन में ज्ञान कोई नहीं है, यही स्वतंत्र, यही स्वतंत्र प्रकाश ज्ञान को और किसी एक संकीर्णता लोगों में देखने में आती है कि इनका धर्म वेद में है, इनका धर्म वेद में नहीं है। वेद कोई पुराण नहीं, वेद कोई बाइबल नहीं है। सारी दुनिया को धर्म का रास्ता बताने वाला ये वेद है। सनकई स्तूप क्रिया लोपात इमाम क्षत्रिय जाते हैं विशलस्वंगों के ब्राह्मणा दर्शन धीरे धीरे जाने आने का साधन कम होता गया। लोग युद्ध आदि हो जाने से विज्ञान के विषय को भूल गए, इसलिए लोगों का संपर्क टूट गया, और टूट जाने से पुरोहित ब्राह्मणों का संपर्क भी टूट गया। वो धीरे धीरे सुदृढ़ हो गए, क्यों? वेद और वैदिक का अध्ययन न करने से मनुष्य सुदृढ़ हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए ये वेद सर्वथा वेद क्या, आप जो जानते हैं वो आपका ज्ञान, जागृत को आपने जाना, स्वप्न को आपने जाना, समाधि को आपने जाना, ये सब आए और गए, और आप ज्ञान स्वरूप आप स्वयं हैं और जो कृष्ण बने रहे। इसलिए ज्ञान सर्वदा अपौरुषेय ही होता है। यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं कि चार भूत से ज्ञान हुए, उनको कैसे पता लगा कि उसका चार भूत नहीं थे, चार भूत नहीं थे तो ये चारों पैदा हो गए, कैसे पता चला? तो नैयायिकों को कैसे पता चला कि ज्ञान जो है वो सर्वप्रथम गुण है? किसी भी वस्तु का पता बिना ज्ञान के सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान माने आत्मा, और ये है अपौरुषेय माने इसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाश है। और
इसका नाम भी नहीं हो सकता। मान लो किसी शेष भक्त कहते हैं ज्ञान तो प्रकाश है, न तो ज्ञान का की उत्पत्ति का कोई अनुभव नहीं कर सकता। कौन ऐसा है जो ज्ञान की उत्पत्ति का अनुभव कर या ज्ञान पैदा हुआ? तो ज्ञान पैदा हुआ तो किसी ने जाना कि नहीं जाना? नहीं जाना बोलता है, और यदि उसने ज्ञान की उत्पत्ति जानी तो जिस ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति जाने वो ज्ञान का ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान के बिना जगदान जब प्रसंग है कोई किसी को कुछ जान ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान स्व प्रकाश है, अपौरुषेय है, और उसी अपौरुषेय ज्ञान के आधार पर बुद्धि में हो जाने पर भी ज्ञान रहता है, मन में निष्संकल्प हो जाने पर भी ज्ञान रहता है, इंद्रियों के शांत हो जाने पर भी ज्ञान रहता है, शरीर से क्रिया न होने पर भी ज्ञान रहता है। ज्ञान सर्वदा प्रकाश है, स्वतंत्र है, और जो लोग दार्शनिक दृष्टि से ज्ञान का विचार नहीं करते वे लोग कहते हैं कि ज्ञान पौरुषेय है। ऐसे लोगों में कई दार्शनिक भी हैं, जैसे बौद्ध ही कहते हैं ज्ञान नहीं है शून्य है, अर्थात तो शून्यम साक्षिगम्बा न साक्षिकम्बा। ज्ञान का कोई साक्षी होता है कि ज्ञान का कोई असाक्षी होता है? ज्ञान पैदा हुआ इसका कोई गवाह है कि नहीं है? यदि ज्ञान पैदा हुआ इसका कोई गवाह नहीं है तो ज्ञान पैदा हुआ यह कहना गलत है, और यदि उसका कोई गवाह है तो ज्ञान से भी पहले वो गवाह भी मौजूद है, और वो ज्ञान कौन है? अपना आत्मा है। इसलिए ईश्वर की बात है सुनकर चक्कर में नहीं जाना चाहिए। ज्ञान की गंभीरता एक बहुत दर्शन बहुत गंभीर की वस्तु है, सर्व का भेद हो चुके हैं, इसमें आप कोई शंका नहीं। महाराज जी, जैसे मानसिक पूजा करने पर तृप्ति नहीं होती इसलिए शरीर से भी करना जरूरी है, वैसे गुरु पूजा भी मानसिक होने पर तृप्त नहीं होती और देह से करने के लिए मौका नहीं मिलता है क्योंकि सेवकों का भीड़ लगा हुआ है, क्या करें? देखो, सब गुरु की सेवा उसके शरीर से पास जाकर ही करें, ये जरूरी है। तुम्हें सेवा करनी है तो जिस रास्ते से गुरु जी चलते हैं उस रास्ते पर साधु लगा दिया करो। जिस कुएं से वो पानी पीते हैं उस कुएं का दो बाल्टी पानी दो गिलास पानी निकाल दिया करो। यदि अभी किसी रास्ते से जाने आने वाले हैं तो उसको बिल्कुल निष्कंकर बना करके रखना चाहिए। आप उनके लिए रोटी बना कर नहीं खिला सकते तो चर्चा नहीं तैयार कीजिए। आप यदि आप उनके लिए घर में अन्न तैयार नहीं करवा सकते तो दो चार मजदूर लगवाकर उनके लिए खेती करवा लेंगे, और उसमें जो अन्न पैदा हो वो गुरु जी के लिए भेज दीजिए। हमारे घर पर एक शिष्य था, कोई भी था, तो उसने कुछ भूमि हमारे घर वालों को दे रखे थे, तो वो यहाँ तक करता था कि बरसा के दिनों में खेत को जुटवाता था और कुछ एक घर से दिया उसने डाली, और जब अन्न तैयार हो जाता सिंचाई उचाई करने के बाद साथी डांटे उस खेत में जितना अन्न होता वो अन्न ही वो भेज देता सेवा करने के लिए। कौन सेवा करना चाहता है जिसको सेवा करने का अवसर न मिले?
अगर सेवा करना चाहोगे तो तुम्हें सेवा करने का अवसर अवश्य मिलेगा। शास्त्र में सती प्रथा देखने में आता है तो कानून सेवक निषिद्ध क्यों है? शास्त्र में हाँ इस बारे में भी लोगों को बहुत भ्रम है। कोई नाराज हो उसको शास्त्र केवल भारतवर्ष और बनारस की और वृंदावन की ब्राह्मणियों के लिए शास्त्र नहीं, शास्त्र है संपूर्ण विश्व के लिए। तृणध्वम आर्जम सारे विश्व को श्रेष्ठ आचार देने की शिक्षा ब्राह्मणों के ऊपर है। वो जो शिक्षा है वो अधिकार के अनुसार है, अधिकार के अनुसार है माने कोई उस शिक्षा का अधिकारी होता है, कोई नहीं होता है। देखो सारे विश्व को हम तो भारतवर्ष मानते हैं, सारा भारतवर्ष, उसमें से धीरे धीरे समुद्र की कटाई कटाई पहाड़ों का उत्थान होते होते सीमा अलग अलग बनती गई। अब क्या आप चाहते हैं कि प्रत्येक चमारिन मरे और चांडालिन मरे और धनगिन मरे और वो सती है, ऐसा आप चाहते हैं? पूरे देश के लिए सती प्रथा कैसे हो सकती है? जो लोग सती प्रथा की चर्चा करते हैं वो इस बात को नहीं जान सकते। अशक्त अनुष्ठान है कि प्रत्येक स्त्री के लिए सती होने का नियम हो। आप दूसरी जो जिस स्त्री से पुत्रवती हो स्त्री को सती होने का निषेध, जिसके रक्षक माता पिता हो उसको भी सती होने का निषेध है, जिसकी स्वयं की इच्छा न हो, जो स्वयं अपने पति के साथ सती न होना चाहती हो वो मरने के समय सती क्यों हो? प्रश्न तो ये है कि वो सती होना चाहती है कि लालच बस लोभ बस उसकी जो संपत्ति है उसको हड़प लेना चाहते हैं। तो भाई मेरे ये धर्म बड़े सूक्ष्म है, सबके लिए कोई भी धर्म अपने शास्त्र का धर्म सबके लिए तो सबको संध्या वंदन करना चाहिए। तो सरकार एक कानून बना दे कि सब लोग दूध हो गए उसको जाते समय संध्या वंदन करेंगे, नहीं तो उनको सजा नहीं जाएगी। तो क्या हालत हो गया, वो लोटिया लेकर शाम को समझ के लिए जाएंगे और रात को चटकी लग जाएगी, बैठ जाएंगे घर चला जाता है। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, महाराज कानूनी संध्या कर रहे हैं। तो ऐसे कानूनी संध्या जैसे नहीं होती है, ऐसी ही कानूनी सती प्रथा भी कानूनी नहीं है। कहीं भी नित्य विधि के रूप में अभी लोग कोई शास्त्र की बात सुनना चाहते हैं तो वो भी सुना देते हैं। वैसे मैंने विपरी कही है, वो सब शास्त्र की बात है, उसका मैं उसके बारे में कोई वाद विवाद उपस्थित नहीं करना चाहता। शास्त्र सार्वजनिक वो सूत्र के लिए नंदी के लिए चमार के लिए ड्रोन के लिए हैं, तो उनके लिए उनकी सबकी स्त्री दूसरा विवाह न करें, उनके यहाँ तो दूसरे विवाह की प्रथा है। पुत्र के रहते सती होने का निषेध है और पिता और
पिता और ससुर आदि अभिभावक है वो सती होने का निश्चित है। सती होना नित्य प्रथा नहीं है। सती होना नित्य विधि नहीं है कि प्रत्येक पढ़ने वाले स्त्री को सती होना ही चाहिए। तो अधिकार केस से सारी व्यवस्थाएं होती है, ये परिसंख्या विधि से सती प्रथा का समर्थन किया जा सकता है या गुणवाद से। तो परिसंख्या विधि से यदि किसी स्त्री को सती होना हो, हुए बिना वो न कर सकती हो, तो वो सती हो जाए। यह तो परिसंख्या विधि होनी चाहिए, या तो उसके लिए अभी सती होना एक बहुत गुण है, गुण विधि होनी चाहिए। एक प्रशंसा की बात है जब मरने के बाद भी हम सती के लिए मरने को तैयार हैं, तो जिंदा रहते हुए हम सती को मर जाएं, सती होने के लिए मर जाएं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो असल में पार्थिव व्रत धर्म के महत्व का प्रतिपादन करने के लिए ये सती की पद्धति प्रचलित थी। पहले भी सभी स्त्रियां सती होती हों ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि जो स्त्री मरे वो सती हो। अनेक स्त्रियां सती नहीं हुई, जिनका विधवा होने पर भी आप नाम जानते हैं, विधवा होने पर भी सती रहती। इसलिए सती होना नित्य विधि नहीं है, नित्य नहीं है। जिसके हृदय पातिव्रत की पूर्ण भावना हो, वो या जो सचमुच पति के बिना मर ही जाना चाहती हो, रहना चाहती न हो, उसको भी जहाँ तहाँ आग लगाकर शरीर से मर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए भी कर्मकांड होता है सती का। उसके हवन की, सती के हवन की पद्धति शास्त्रों में लिखी हुई है। ऐसे उत्पटांग सुन सुना के जहाँ तहाँ दो बात नहीं करी जा सकती है। और ये कानून बना देना कि सबको, सब स्त्रियों को सती होना ही पड़ेगा, या जो सती का समर्थन करेगा तो सजा होगी, ये सब उत्पटांग अनजान अभिचारित जो कानून को भी नहीं जानने वाले लोग हैं, वे लोग इस तरह का कानून बनाना और जानना चाहते हैं। तो सती सबके लिए सती होना सबके लिए नहीं है, सब जात के लिए नहीं है, सब अवस्था वालों के लिए नहीं है, सब परिस्थिति वालों के लिए नहीं है। इस बात को नारायण अच्छी तरह समझ करके तब निश्चय करना चाहिए। हमारे कानून में शास्त्र के रूप काम है, क्या तो हम कैसे कहें, अपमान होगा उसका। और सती होना सती के महत्व का सूचक है। जिसकी इच्छा हो वो धर्मशास्त्र के अनुसार सती हो सकता है। एक दूसरी बात पर आप ध्यान दें, हमारे यहाँ सब संस्कार होते हैं, जात कर्म से लेकर के अंत्येष्टि कर्म तक संस्कार होते हैं। कोई 44 संस्कार मानते हैं, कोई 26 मानते हैं, कोई 16 संस्कार मानते हैं, कोई 8 भी मानते हैं। ऐसे संस्कार होते हैं, तो जो जात कर्म आदि संस्कार किए हुए है, जिसने सचमुच यज्ञों को भी संस्कार करवाया है, जिसने सचमुच विवाह संस्कार करवाया हुआ है, शास्त्रीय रीति से ही जिसके पति और पत्नी का संबंध जुड़ा हुआ है, वो स्त्री भी सती नहीं हो सकती। यदि शास्त्र के अनुसार उसको सती लेने का अधिकार नहीं है,
शास्त्र यदि मना करता है तो कैसे सती होगी। इसलिए एकाएक ठट कह देना कि सबको सती होना चाहिए या सबको सती नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आजकल अनेक बातें भ्रष्टता के नाम पर ही सारी की जाती है, इसलिए आप ये निश्चित उत्तर समझिए कि न तो सबके लिए सती होने का बना है और न तो सबके लिए नजीब है। जो उसके अधिकारी हैं उनके लिए विधान है और उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई कानून रोक रोक नहीं सकता, मरने वाले को कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि सती होने का नहीं मरने का भी विधान है शास्त्र। मरने का विधान कहां शास्त्र में, कि अक्षय वट प्रयागराज अक्षय वट में 3 दिन उपवास करके और अपने सब देव 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 पूजा और श्राद्ध आदि जितने कर्म है वो उत्तर कर्म जितने हैं उतने संपन्न करके और सब अक्षय वट में आत्मवरण आत्म मृत्यु का वरण करना चाहिए। इसलिए जो वर्तमान काल के झगड़े हैं वो शास्त्रीय झगड़े नहीं है। शास्त्रीय झगड़े होते तो काशी के 10 विद्वान या देश के 10 विद्वान इकट्ठे होकर झगड़े कर देते, ये काम ऐसा करो ये काम ऐसा मत करो, ये काम तो ये तो झगड़ा घरेलू है और बिल्कुल कानूनी है और बहुत स्वार्थपूर्ण है, इसलिए इसका निषेध होता है। इसलिए नहीं कि ये धर्म के प्रतिकूल है, इसलिए इसका निषेध किया जाता है। जिसने कि जनेऊ ही नहीं लिया और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे लोगों का संन्यास पर अधिकार है या नहीं, जैसे कि स्त्रियां, क्योंकि गायत्री में भूभुव स्व का अध्यारूप है तो प्रेष मंत्र में उसका अपवाद अध्यारूप ही नहीं है तो अपवाद किसका होगा, अथवा त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा ही संन्यास है, उस पर सबको अधिकार है कि नहीं, कृपया स्पष्ट कर दे। ऐसा है कि संन्यास जो इसी को कई तरह के होते हैं, उपीचक संन्यास, बहुदक संन्यास, अंश संन्यास, परमहंस संन्यास, एक और परमहंस संन्यास के स्थान पर पंचमाश्रम नाम के पुस्तक स्वामी जी के गुरु जी ने लिखी है, स्वामी मंगलनाथ जी महाराज, मंगलधन जी महाराज, वो मैंने उस समय पढ़ी थी और पूरी बड़े प्रेम से पढ़ी थी। उस समय संन्यास का पाप और संन्यास धर्म निश्चय, संन्यास धर्म निर्णय, संन्यास संबंधी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ती थी। तो प्रश्न तो ये है कि जिसके जैसे 5 रुपया कोई कमा ले और उसके बाद उस 5 रुपया का दान करे तो वो दान शास्त्रीय होगा, और कहीं से 5 रुपये का चोरी करके ले आए और उसका दान करे तो वो 5 रुपये का दान नहीं होगा। ये माद्री में दान के सैकड़ों रूप लिखे हुए हैं, यहाँ तक कि उसमें भैंस वैंस का दान कैसे करना चाहिए। इसकी भी विधि जमराज की प्रसन्नता के लिए भैंस के दान का वर्णन है, 2 भागों में छपी हुई है ग्रंथ, संस्कृत का ग्रंथ बहुत बड़ा है, सुनते हैं अब कोई दोबारा उसको छापने की क्रिया, वैसे ही बहुत बड़ा बहुत बढ़िया ग्रंथ है। तो अब दान में देखो, एक होता है त्याग और एक होता है दान। तो दान स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व पालन होता है, अपना स्वत्व अपना हक उस पर से हटा करके दूसरे का हक उस पर स्थापित करना। वो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और भी तुला दान, सज्जा दान, अनेक प्रकार के दान होते हैं, वो दान, ये सब शास्त्रोक्त दान होते हैं। और ये संन्यास जो है
ये शास्त्रोक्त दान वैराग्य मूलक दान है। जिसका वैराग्य जितना शिथिल होगा, धीरे वैराग्य वाले के लिए कुटी चल, उससे कुछ का वैराग्य हो तो बहुधर, उससे कुछ का वैराग्य हो तो बहुधर। अच्छा, इसमें भी जिसने पहले जज्ञों को गीतावी संस्कार ग्रहण किए हैं, वही जिसने संस्कार ग्रहण किया है वही तो उस संस्कार को छोड़ेगा। जिसने उस संस्कार को ग्रहण नहीं किया है वो उस संस्कार को विधि पूर्वक कैसे छोड़ सकता है। आजकल कोई लाल कपड़ा पहन ले तो लाल कपड़ा पहन लेने से क्या वो सन्यासी हो गया? आदमी की अक्कल पर पानी पड़ गया है जो लाल कपड़ा पहने हुए किसी को देखता है तो समझ लेता है कि ये सन्यासी है। सन्यासी तो वही होता है जो शास्त्र के अनुसार अधिकार संपन्न होकर और फिर उत्तम सदगुरु से और उत्तम मुहूर्त से और उत्तम अवसर पर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास कोई ऐसी ऐसी चीज तो नहीं है। प्रश्न और हमसे था कि जो त्याग वैराग्य की पराकाष्ठ संन्यास है उस पर सबका अधिकार है कि नहीं? और त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा मैंने जैसे जैसे सुखदेव जी हैं, उन्होंने संन्यास के योग्य आयु अपनी गर्भ में ही नहीं है। गर्भ में ही वो 16 बरस के हो गए तो ब्राह्मण की अंतिम उम्र 16 बरस की है। यज्ञों के बीच संस्कार उनका नहीं हुआ और सनकादि हैं, सनकादि 4-5 बरस के रहते हैं, उनका यज्ञों के बीच संस्कार नहीं होता है। अथवा वे मन्वंतर जीवी पुरुष हैं, मन्वंतर जीवी पुरुष होने के कारण न उनका जात कर्म संस्कार हुआ, ब्रह्मा से पैदा हुए ना, तो न उनका जात कर्म संस्कार हुआ, न यज्ञोपवीत हुआ, न विवाह हुआ और न तो अंत्येष्टि संस्कार होता है, क्योंकि मन्वंतर के अंत में प्रलय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यज्ञोपवीत त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा जो है वो अनात्म मात्र वस्तु के प्रति तुच्छ बुद्धि है। मिथ्या माने तुच्छ बुद्धि, अनात्मा अपने से अपने आत्मा के अतिरिक्त और कहीं भी जिसकी महत्व बुद्धि नहीं है वो त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा का अनुभव करता होगा। हम लोग केवल शास्त्रों में उसको सुनते हैं। यदि आप लोगों में से कोई संन्यास वैराग्य का पूर्ण निष्ठावान अधिकारी समझते हो तो वो आपको मुबारक हो, हम तो अपने को नहीं समझते। वेदांतोक्त ईश्वर और योगोक्त ईश्वर में क्या अंतर है? वेदांतोक्त ईश्वर देखता तो ज्यादा और करता कम है। देखना ही एक प्रकार का भोग है तो सांख्योक्त ईश्वर दृष्टा है, वो प्रकृति के विकृति का भी दृष्टा है। मत तत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्रा, इन सबका जागृत स्व इन सबका दृष्टा है। और वेदांतियों का जो ईश्वर है वो दृष्टा नहीं है, वो तो दृष्टा से अभिन्न यदि नहीं है तो दर्शन कुछ है ही नहीं, क्योंकि दृष्टा से भिन्न होगा तो दृश्य होगा और दृश्य होगा तो जब तक दृश्य होगा तभी तक वो होगा, दृश्यावधि होगा। अब दृश्य कहो दृश्य नित्य है, कहां दृश्य नित्य तो है परंतु सत्य नहीं है। दृश्य त्रिकाला बाधित नहीं है, भले ही दृश्य नित्य हुआ करे
तो दृष्टि के नित्य न होने से ईश्वर की नित्यता ही बाधित हो जाती है। इसलिए ईश्वर ईश्वर क्या पूछा था, वेदांत वेदांतोक्त ईश्वर और जोगोक्त ईश्वर में फर्क ये है कि जोगोक्त ईश्वर जो है उसको हम अपने प्रयत्न से योगाभ्यास करके प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करके आठों अंगों का सेवा सेवन करके अंगी रूप निरोध दशा को प्राप्त कर सकते हैं। निरोध का ही नाम योग है। योग जो है चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्ति निरोध का योग है, चित्त निरोध का योग नहीं है। इसलिए निरोध दशा हो जाने पर भी चित्त बना रहता है और चित्त बना रहता है तो परमार्थम प्रति नष्ट बक्य नष्ट तदन्य साधारण जो परमार्थ ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उन पुरुषों के लिए ये प्रपंच है तो बिल्कुल नष्ट शरीर नष्ट शरीर था लेकिन दूसरों को दिखाई पड़ता है इसलिए नष्ट शरीर का है। तो ऐसी अवस्था में जब तक द्वैत का बाध नहीं होगा, द्वैत को मिथ्या समझने से काम नहीं चलेगा, द्वैत को जब तक मिथ्या नहीं समझेंगे तब तक काम होगा नहीं। असल में आत्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु गई है ज्ञान मनन द्रव्य अपूर्व अनपरम अनंतरम अवाज्यम एकमेवा द्वितीय ऐसे श्रुति जो है नासदासी नासदासी तदारी एकम संतम बहुधा वदन्ति एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति एकम एकम वासव विभूव सर्वम ऐसे जो जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता साफ श्रुति जो है वो बोलती है। तो हम श्रुति को प्रमाण मानने वाले ये सब अनुमान आदि जो प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो प्रमाण है ये तो अत्यंत स्थूल विषय प्रमाण है, सूक्ष्म तत्व तो आत्म विषय प्रमाण नहीं है। आत्म विषय प्रमाण ईश्वर विषय प्रमाण तो साक्षात वेद है जो कि ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वेद के आधार पर जो सिद्ध हो वही होना चाहिए। ओ।